सो गाइज एक्साइड के जो इन्वर्टर है जी क्यू पी ग्रिड क्वालिटी पावर विथ 100% कॉपर ट्रांसफर, इसकी इफिशियंसी कितनी है। और एक्साइड के थोड़े कॉस्टली इन्वर्टर आपको देखने को मिलेंगे, और ये प्योर साइनवेव के इन्वर्टर है। मैक्सिमम एक्साइड में अगर आप कॉम्बो लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया है, तो उसमें मैक्सिमम अगर आपको लेना चाहिए तो ये लेना चाहिए। अब एक्साइड की इन्वर्टर की बैटरी और एक्साइड का ही इन्वर्टर, तो दोनों का हमने जो वीडियो बनाया है उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें आए हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आए कि कितना एफिशिएंसी है, कितना वेटेज देंगे तो कितना लोड चलेगा। एक्चुअल में काफ़ी सारे लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, सिर्फ थंबनेल देख के कमेंट कर देते हैं, सो इसलिए उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं मिल पाती। क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है तो ये काफ़ी सारे पॉइंट छूट जाते हैं। अगर आपको प्रॉपरली मतलब इन्वर्टर बैटरी खरीदना होगा तो आपको कम्प्लीटली वीडियो देखना पड़ेगा, अदरवाइज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएंगी। तो सबसे पहले हम आपको दोबारा दिखा देते हैं बैटरी की प्राइसिंग। अगर आप एक्साइड की बैटरी लेते हैं ऑनलाइन में ऑफलाइन में, तो 18,000 से 19,000 में आपको आएंगी, यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करेंगे एक्साइड के इन्वर्टर की, तो यहाँ पे जीक्यूपी के जो इन्वर्टर है वो काफ़ी बेहतरीन इन्वर्टर माने जाते हैं, फीचर भी इसमें थोड़े अच्छे हैं और कॉपर ट्रांसफार्मर के हैं, सो ये बेटर है, इसलिए थोड़े कॉस्टिंग ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे प्राइसिंग देखेंगे अलग अलग है, यहाँ पे 850 VA का है, उसके बाद में 1050 VA का है, तो इसमें दो तीन रेंजेस आते हैं, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप ये खरीद सकते हैं। और ये प्योर मतलब प्योर साइनवेव के कॉपर ट्रांसफार्मर के हैं। तो अभी हम जो क्वेश्चन हमें आए थे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी की बात करेंगे, तो ये 90% इफिशियंसी वाला है। और अभी बात करेंगे कि वेटेज की, अभी यहाँ पे कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो व्यूवर्स है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया है। अभी यहाँ पर एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने वीडियो देख के उनको कुछ बैकअप के लिए कुछ बैटरी खरीदना है, सेटअप खरीदना है, और उनका कहना है कि सिर्फ 2 LED है और उनको 4-5 घंटे का बैकअप चाहिए, तो उसके लिए कौन सा सेटअप लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका 18 वैटेज है, 20 वैटेज है, 30 वैटेज है, 40 वैटेज है, तो यहाँ पे आप एक स्मॉल UPS खरीद लीजिए, उसमें एक 7H की बैटरी होती है। 7H में मतलब UPS के साथ मिलेंगे तो चार्जिंग भी हो जाएंगी, जैसे UPS में आप घर पे लगा देंगे, और कहीं बाहर आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको लाइट वगैरह लगाने हैं तो UPS से बैकअप मिलेगा बैटरी से आपको, बाद में जब चार्ज करना रहेगा तब आप चार्जिंग पे लगा दीजिए मेंस में, या फिर घर पे ही आपको LED लगाने हैं तो UPS से भी काम हो जाएगा। तो 7H की बैटरी रहती है उसमें, ये लगभग आपको 2,000 रुपये तक के आएगा, उसका बिलिंग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 2-2,500 वो देख के है अलग अलग, तो उसके मैं दे दूंगा मैक्सिमम प्राइस तक के 5,000 रुपये तक के आते हैं। और 18 वैटेज ही आपको चलाना है, 20 वैटेज ही चलाना है, तो 4-5 घंटे आराम से चल जाएगा, ज़्यादा बड़ा सेटअप लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इन्वर्टर के एक साइड के बैटरी इन्वर्टर आप लेते हैं तो ये सेटअप 20-25 हज़ार रुपये का आता है, 15,000 का जाता है, 18,000 का जाता है, तो एक छोटा सेटअप के लिए आपको छोटी बैटरी आपको खरीदना है। और एक काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हमें लगा कि बैटरी अगर फुल चार्ज होगी तो क्या इन्वर्टर को ऑफ करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। और 500 वैटेज पे अगर डबल बैटरी लगाते हैं सो वैटेज मतलब कितना लोड मिलेगा, इसके बारे में हम समझेंगे। और 2 फैन लगाना है आपको, 4 LED है तो ये टोटल वैटेज हो गया, 4 LED 12 वैटेज की है तो 48, और 2 फैन है वो 160, तो ये हो गया टोटल 208 वैट। 208 वैट पे कितना घंटा बैकअप मिलेगा, कौन सी बैटरी, कितने एच की बैटरी आपको लगाना है। तो इन्वर्टर यहाँ पे आप ले सकते हैं 600, 700, 800, ये इन्वर्टर आप ले सकते हैं 600 VA वाले, कम से कम, कुछ ज़्यादा वैटेज नहीं है। बैटरी आपको इसके लिए लेनी पड़ेगी 80 एम्पेयर की, 208 वैटेज ही। अभी इसके भी वीडियो हमारे बने हुए हैं कि ज़्यादा बैकअप नहीं है, छोटी बैटरी आपको लेना है कम वैटेज के साथ में, तो कौन सा सेटअप लेना चाहिए, इसका प्रीवियसली हमने वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिए। अब 208 वैटेज पे आपको बैटरी लेना होगा, मतलब 4-5 घंटे का बैकअप चाहिए, तो आपको 80H की बैटरी लेना होगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो अभी ये थोड़ा कम बजट वाला है, तो जो भी आपको मिलते हैं वो ले लीजिए, लूगार्ड है उसमें आप जा सकते हैं, एक कम साइज़ वाला आता है, बैटरी माइक्रोरेक में अवेलेबल है, एक्साइड में भी अवेलेबल, कहाँ पे मिल जाती है तो ले सकते हैं, अलग अलग कंपनी की बैटरी जाती है, तो आप 80 एम्पेयर में ले लीजिए, 80 एम्पेयर की बैटरी लगेंगी आपको, और 600, 400, 600 VA वाला इन्वर्टर आप ले लीजिए। और 200 वैटेज है तो आपका 208 वैटेज पे 4 घंटा आराम से चल जाएगा। तो अभी बात करेंगे कि आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी आपने घर पे, मतलब लोड शेडिंग काफ़ी कम है, बैटरी फुल चार्ज होगी आपकी, तो क्या आपको इन्वर्टर बंद करना चाहिए, महीना महीना भर लाइट नहीं जा रही, तो इन्वर्टर आपको बिल्कुल कभी बंद नहीं करना है। अगर आपको करना है बंद तो आप मेंस में से मेंस बंद कर दीजिए, मेन बंद करेंगे तो होगा ये कि आपकी बैटरी जो सिर्फ चार्ज हो रही थी और इन्वर्टर ऐसे भी आ रहे हैं कि जो चार्जिंग को कट कर देते, क्योंकि आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी, लोड शेडिंग नहीं है तो बैटरी फुल चार्ज होगी है, तो इन्वर्टर क्या करेगा कि बैटरी चार्ज ही करते रहेगा,
तो अभी सिस्टम ऐसे है इन्वर्टर में कि वो कट कर देता है, चार्जिंग कट कर देता है, रोक कर देता है, पर आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रही क्योंकि लाइट नहीं जा रही है, तो करना क्या होगा? तो आप मेन्स ऑफ कर दीजिए, होगा ये घर की सारी लाइट बंद हो जाएंगी, फिर बाद में इन्वर्टर आपका शुरू है तो वो बैटरी पर लोड लेगा, बैटरी पर लोड लेके आपके घर में लाइट आ जाएंगी वो इन्वर्टर से। तो आपको इन्वर्टर बिल्कुल बंद नहीं करना है, करना है तो मेंस आपको बंद करना है, इन्वर्टर हमेशा शुरू रहेगा, इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, लाइट नहीं जा रही काफ़ी दिन महीने, तो आप मेंस ऑफ कीजिए, इन्वर्टर आपको कभी ऑफ नहीं करना है, इन्वर्टर का काम कंटिन्यू चलता रहता है, लाइट जाने के बाद में वो चार्जिंग करते रहता है, तो लाइट मतलब लाइट है तो चार्जिंग करते रहेगा, लाइट जाने के बाद में बैटरी से सप्लाई देगा, तो इसीलिए आपको मेंस बंद करना है, इन्वर्टर बंद नहीं करना है। अभी बात करेंगे कि दो बैटरी है, 500 वाटेज देना है, कितना देर चलेगा जान लेते हैं। सिंगल बैटरी पे, सिंगल बैटरी पे आप 500 वाटेज देंगे तो आपका जो लोड है 500 वाटेज सिंगल बैटरी पे 150 एम्पीयर की बैटरी पे, तो बात कर रहे हैं हम इसी बैटरी पे आईटी पे, तो ये 4 घंटे आराम से चल जाएंगे। दो बैटरी लगाएंगे तो डबल कर लीजिए, सिंपल सा इसका आंसर है, डबल कर लीजिए, 7 से 8 घंटा तक चल जाएगा। अब बैटरी आप कोई भी अलग अलग कंपनी की ले सकते हैं, यहाँ पे रिकमेंड ये वीडियो जो आया था वो प्रीवियस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए तो हमने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, और जो भी सब्सक्राइबर है व्यूवर्स हैं वो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज होती है, सो वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेंगी। अब बैटरी आप ले सकते हैं, कोई भी इन्वर्टर भी ले सकते हैं जो भी आपके पहचान में नियरेस्ट में है, और आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई दे देंगे, जवाब दे देंगे। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करके, घंटा बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में, ताकि जिनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्वर्टर बैटरी खरीदना होगा तो वो खरीद सकते हैं। आप नागपुर में हमारे नियरेस्ट में रहते हैं तो आप हमारे ऑथराइज स्टोर पर आके हमसे मिल सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी आप भेज सकते हैं। अब नियरेस्ट में होंगे तो बैटरी इन्वर्टर आपके घर तक डिलीवरी करने की हम कोशिश करेंगे। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।